वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रो साध संग जीओ, एक लड़ी वार विचार आप सरवन कर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दिया दो पंक्तियां, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, उसनु दास ने आधार बनाया है। आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निरास, सुख फल पाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान वाक, रे मन ऐसो कर सने आसा। धर्म की साधना मन की साधना है, तन की साधना नहीं है। हे मन ऐसा सन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नु घर नु समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नु समझ, और घर विच जो कुछ भी है सब कुछ नु उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तू परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं, नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं उदास नहीं, वो परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। आम मनोविज्ञानक कहते ने हिरदे नो निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग स्वास तब लग आस। हर स्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती है, मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा वाए निराश वलाए, नेहचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों आसा माए निराश वाला है, जो आसा विच निराश होके रहिंदा है, ये किस तरह होगा। चलो आसा ते चल दिए स्वास देना, निराश होना बड़ा औखा है। जे आसा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, ए इस वास्ते पूरी हुई है, प्रभु दी आसा भी यही सी, वह भी यही चाहता सी, तां हुई है। एक जे आसा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ होर चाहता है, उदी इच्छा कुछ होर है, तो उदी रजा विच राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, निहचो नानक करते पाए, निश्चय करके जाणो नूं करते पुरख दी प्राप्ति हो जांदी। पर एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है, और इतनी प्रबल आसा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं आउंदी। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया है सुख दा परिवार नाल, पदार्था नाल, परमात्मा दी तड़प ते जन्म ही नहीं लेंदे, जन्म ही नहीं लेंदे। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन, सदन नू घर नू उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ, किए तेरे घर दे। मैं दो नुकते दो बादशाहां दे थोड़े सामने रखा, जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देच जिसने मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर, उदे विचार भारत दे जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, आखरी बादशाह बहादुर शाह जफर।
ये बहादुर शाह ओ नहीं जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नो मिलिया सी औरंगजेब दा लड़का जिन्हें हजूर साहब दे सतगुरु नू नगीना भेट कीता सी। ते महाराज ने वो नगीना गोदावरी सुट दिता। ते बहादुर शाह नू एकदम ख्याल आया फकीर ने इन्हां नू नगीनियां दी समझ नहीं। कहन लगे महाराज मैं जो भेंट कीती सी ए मेरे खजाने दा सब तो कीमती नगीना सी, तुसी दरियाज सुट दिता। ए मैं कई सालां तो खजाने दे साम के रखे आया है, मेरे पिता तो मैनू प्राप्त होया है, आपने दरियाज सुट दिता है। मैं थानू नजराना भेंट कीता सी, थोड़े कदमां दे च रखिया सी। दरअसल बहादुर शाह दे मन विच नगीना भेंट करदे ये ख्याल भी आ गया सी, इस तरह की भेटा गुरु गोबिंद सिंह नूं अज तक किसी होर ने नहीं दित्ती होनी, ये ख्याल भी आ गया, ऐसा हंकार भी आ गया। सतगुरु कहण लगे कीमती नगीना सी, अच्छा इंज कर फिर हुण तू आप ही कढ़ के लिया, और जिथे मैं सुटे आप ही कढ़ के लिया, ज्यादा पानी नहीं है गोदावरी च, जा कढ़ लिया। इतिहास है जैसे हो जाता है, दो हथां नाल कढ़दा है, दोवें हथ नगीनियां नाल भरे कहिंदा है इन्ने नगीने। बहादुर शाह नूं पता नहीं जिस वस्तु दे उत्ते कलगीधर दी निगाह पै जावे नगीना बन जाती है। मनुख ते नजरे करम हो जाए ओ देवता हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अत्यंत प्रसन्न होके नंद लाल नूं कहा तू कुछ मंग ले, अज तैनू कुछ देना है, तैनू दे के सानू खुशी मिलेगी। जिहदे नाल बहुत प्यार होवे ते जिहड़ा प्यारा लगे उन्नू कुछ दे के खुशी मिलदी है, पर जिहदे नाल नफरत होवे, घृणा होवे, दुश्मनी होवे, उहदे कोल खो के खुशी मिलदी। जो बहुत प्यारा है मनुख देना चाहता, इनू सुख दे दईए, इनू आराम दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो इनू अपनी जिंद जान दे दईए। पर जे घृणा है, नफरत है, दुश्मनी है, तो फिर मनुख खोना चाहता है, इहदा सुख खो लईए, इहदी इज्जत खो लईए, इहदा मान सन्मान खो लईए, किधरे मौका लग जाए तो इहदी जिंद जान खो लईए। खोण नूं भी जी करदा है बशर्ते घृणा होवे, देण नूं भी जी करदा है बशर्ते प्यारा लगे। नंद लाल तू बहुत प्यारा लगता है, तेरिया गल्लां बहुत प्यारियां, तेनू देख के सानू खुशी मिलेगी, साड़ी खुशी लई तू मंग ते मैं तेनू दिया। इनू कहिंदे ने भाई नंद लाल दी मंग, गजल है भाई साहब दी, उन्हां दी बाणी मैं तुहानू सरवण करावां। भाई साहब हाथ जोड़ के कहिंदे ने या इलाही चश्मे बीना ए बेरे दरसरम अज इश्क सौदा ए बेरे, ऐ मेरे मालक ऐ मेरे मुर्शिद, देना है ते ओ अखां दे जिहड़ियां निरंकार नू वेख सकदियां और कुछ भी नहीं, देना है ते सिर दे च ओ प्यार दे कि एक दिन दफा दुनिया कह देवे नंद लाल सुधाई हो गया है, पागल हो गया है, पातशाह अजे ते लोकी मैनू कवि कहिंदे ने, ज्ञानी कहिंदे ने, विद्वान कहिंदे ने, मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। बोल मैं फिर थानू सरवण करावा या इलाही चश्मे बीना ए बेरे, चश्मा अखां नूं कहिंदे या इलाही चश्मे बीना ए बेरे दरसरम अज इश्क सौदा ए बिरे, ऐसा इश्क दे ऐसा प्यार दे एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए सुदाई हो गए।
आप दी ज्ञातली अर्ज करा, दो तरह के मनुखां दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। केदा? एक पागल दा, एक संत दा, नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। एक भगत दा, एक पागल दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। पागल दी गल इतनी नीवी, इतनी नीवी, ओदी जिंदगी इतनी नीवी, पैरां दे थल्लों लंघदी है। संत दे बोल इतने उच्चे, इतने उच्चे, सिर दे उपरों लंघदे, तो दोहां नाल तालमेल नहीं बैठता। कई दफा आम बंदियां नूं पहचानना भी औखा हो जांदा है, इहदे च पागल केड़ा है ते संत केड़ा है। भुलेखे च कई दफा बड़े बड़े महापुरशां नूं लोकी पागल कह देंदे ने, दूर क्यों जाओ, जगत गुरु बाबा कहिंदे ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला। मैनू ते कई भूतना कहिंदे ने, बेताला कहिंदे। कबीर भी कह लेने, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना, सारा बनारस कह रहे है कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे, कोई ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागलां दी भीड़ है, की है, कुछ भी नहीं है। पर ये दो तरह के मनुखां दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। नंद लाल कहिंदे ने, मेरे पातशाह अजे मैनू किसी ने सुदाई नहीं आख्या, ज्ञानी आख्या, अजे मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। सारे विद्वान कही जांदे ने, कवि कही जांदे ने, शायर कही जांदे ने, दर शरम अज इश्क सौदाए विदे, मेरे सिर दे चो प्यार दे, दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए। या इलाही चश्मे बीनाए विदे, वो अखां दे जो प्रभु नूं वेख सकदियां, परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐसी अखां दी दृष्टि अमृतमई आउंदी है, पत्थर नूं नगीना बना देंदी, मनुख नूं देवता बना देंदी है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। बहादुर शाह एक औरंगजेब दा लड़का सी। बहादुर शाह दे बच्चियां नूं नंद लाल पहले पढ़ांदे हुंदे सन आगरे दे, शायद आप नूं पता होवे, ट्विटर नूं पर्शियन दे अतालीक कहिंदे ने, नंद लाल दे नाम दे नाल अतालीक लिखिया है, अतालीक। छोटे छोटे बच्चियां नूं, नवाबां दे बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ाउण वाला, घर दे च जाके। नंद लाल अरबी फारसी पढ़ांदे सन। उस पढ़ाण विच कुरान शरीफ दी आयतां दे अर्थ भी दसने आउंदे सन, अरबी भाई साहब जी जानदे सन। एक दिन कुरान दी एक आयत दे परशियन विच इतने गजब दे अर्थ कीते, क्योंकि सारे मुगल सम्राट परशियन बोलदे सन उस वक्त, लंघिया बजुर्ग औरंगजेब, बुढ़ा हो चुके सी, बिरद हो चुके से। ए अर्थ उदे कन्ना च पै, हैरान हो गया, ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन जमीर बंदा, जिदी रूह दे जितनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह नो कह देता, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए, बस इशारा कर देता, ऐसा रोशन जमीर मनुख हिंदू नहीं चाहिदा। नंद लाल दे जिगरी दोस्त सन मुराद। रात दा जद पहला पैर लंघ गया, सारे सौण दियां तैयारियां च मुराद घोड़ा लेके आया नंद लाल दी हवेली, जिथे नंद लाल रहिंदे सन। आख्या, भाई साहब ये घोड़ा लो, इसते बैठो ते भजन की कोशिश करो, नस जाओ हुणे। दंग रह गए नंद लाल वी, ऐसा क्यों? पुछया, क्यों कारण? थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे च है,
अपनी जमीर बचानी है, अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है, ऐ घोड़ा लो नस जाओ। समझ गया नंदलाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घट दिया सन सामने सन। मुराद नूं कहिंदा है किथे जावां, सारे देश दा बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसकी मुठ्ठी च है, सारी जगह इसकी फौज, इहदे सिपाही, इहदे अहलकार, और सारे भारत विच इसका हुक्म चल रहा है। मुराद कहिंदा है एक जगह है उत्थे औरंगजेब का हुक्म नहीं चलता, गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म चलता है, वह जगह है आनंदपुर, तू बच जा नस जा। रात नूं भाई साहब सफर करते ने, दिन नूं किधरे छुप जाते, मंजिल दल मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे ने। भरे दरबार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जाके सजदा कीता है, मथा टेकया, एक पासे बैठ गए। समाप्ति ते नंद लाल जोदड़ी करदा है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना है। सतगुरु कहण लगे बड़ी खुशी दी गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करदे ने नंद लाल, महाराज आपने इत्थे रहण दी इजाजत मैनू दे दित्ती है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करिया करा। हुण सतगुरु कहिंदे ने तू की कर सकदा, पहले ये दस की कर सकदा। भाई साहब कहिंदे ने दुनिया मैनू रोशन जमीर कहिंदी है, रोशन दिमाग कहिंदी है, मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, आप कोई सेवा बख्श दे। तू रोशन जमीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है, तू इत्थे रहना है, हाँ महाराज मैं रहना है, सेवा भी करनी है, हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे पांडे ही मांजया कर। बड़ी चोट लगी, कहना है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दिती सी, ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाह दे बच्चियां नूं पढ़ांदे सन। ये कहने जाके भांडे मांजा, पर हुण करे की, किधरे जा भी नहीं सकदा। इतिहास कहिंदा है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांजण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांजने हथ काले हुंदे ने, भांडे मांजण लग पए। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान विच रहिंदा सी, उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की कदर नहीं की थी, पांडे मांजण ते लगे। मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार, ये शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर कई दिन भांडे मांजद्या मांजद्या रब्बी तरंगिया दे लहरां विच रहिंदिया रहिंदिया, हर मनुख दा अपना ओरा हुंदा है, आभा हुंदा, उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरश, फिर सतगुर उन्हां दा ओरा आभा। कहिंदे ने पूरन पुरख दी जिहड़ी आभा है, ते मस्तक दे कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखदे हो, इहनूं संस्कृत विच आभा कहिंदे ने। एक पूरन पुरख का ओरा आभा घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा के दायरे च जेड़ा आ जाता है
अगर वह थोड़ा जहां भी जग्यासु है तो असर अंदाज हो जाता है। इस वास्ते कहा गया साध के संग नहीं किछ घाल दर्शन भेटत होत निहाल। उस आभा दे च रहिंदियां रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन दी कालख भी धुल गई सी, विद्या दा गरूर भी धुल गया, इलम दा गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे ने राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मथा हथ कालख नाल भरे आया देख के शरीक समझाण लग पे ने किथे आ गए, इहदे नालों बेहतर सी तू मुल्तान आ जांदा, असी तैनू कोई यतन करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कंधार भेज देंदे, किथे आ गए। इन्ना छोटी दा आलम फाजल होके सारा दिन भांडे मान साढ़े तक खबरां पहुंचियां ने। हुण शरीकां नूं भाई साहब समझांदे ने, उन्हां दे बोल मैं तुहाडे सामने रखा। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करण वाले हो नसीहत ना करो, शिक्षा देण वाले हो शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन बजमे मस्तां अस्त, ई जा किस्सा हो अफसाना ने, ये मस्तानियां दी महफिल है, ये रंग रतनियां दी महफिल है। नंदलाल पागल हो गए, नंदलाल पागल हो गए, थोड़ी नसीहत नंदलाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरां दे थल्लो लंघ जांदी, एक पासे करो। मैं रंग रतनियां दी महफिल दे चा गया। सतगुरु भी पहुंच गए, शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन वह भी सतगुरु ने बोल सुने। जैसे सतगुरु पहुंचे ने नंदलाल सजदा कर रहे ने, महाराज कहते ने नंदलाल वाकई असी तेनू कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके, सुने है बादशाह ने तेनू बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दिती सी और तेनू 500 मोहरां महीने की तनखा मिलती सी, तेनों उन्होंने रहने वास्ते हवेली दिती हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सन, तेरा और भी मान सन्मान काफी सी, असी तेनों कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल दे बोल सुनना ते फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ए नंद लाल दा ग्रंथ दीवाने गोया विच ए नजम दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वकौज कुल कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी गदाए, गदागर भिखारी नु कहने में, एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नू लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जिहड़ा लंघ जाए वो दो जहाना दी बादशाही नू ठुकरा देंदा है, मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किस चीज की कमी। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुला ही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा दी तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इथे रेंदियां रेंदियां प्रभु दी प्यास पैदा हो गई है, इथे रेंदियां रेंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई है, इथे रेंदियां रेंदियां संसार तो मन निराश हो गया, इथे रेंदियां रेंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु दी आस पैदा हो गई, हुण मैं दो जहाना दी बादशाही नूं वी ठोकर मार दा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है,
मैं एक दफा फिर दोहरावा, जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार दी तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिड़ा फिर हो जाता है, वो घर नू जंगल जैसा, उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माए उदासा, अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, परिवार ही सब कुछ है और इसे वासे ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहिंदे रोजो नो बहारो में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप, नित नमे रंग रूप जब दुनिया दे मौजूद ने, क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होता है, ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहिंदे ने ए जग मिठा अगला कहन डिठा, छड़ो अगले दी गल छड़ो, है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहे है, जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई महान हो गई उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट ते ये कहिंदा, इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत दा सी, कितनी मोटी अकल दा सी, कितनी सीमित बुद्ध दा ये मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेजा ने दिल्ली दा तख्त प्राप्त किया, उन्हों पकड़ के बर्मा दे च रंगून दी जेल दे च बंद किया, बेचारा मरिया भी उत्थे, उदी कब्र भी रंगून दे च। ये फकीर तबीयत बंदा सी, पांच वक्त नमाज तो इलावा घंटा दो घंटा अल्लाहु अल्लाहु दा जप भी करदा सी, तो इन्हों रस भी आन लग पिया सी। उदा अनुभव मैं थोड़े सामने रखा, जो अपनी नजम दे च कहिंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है, महाभयान उद्यान नगर कर मानया, झूठ समग्री वेख सच कर जानया। कहिंदा है बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है, महाराज कहिंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा है, मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, केड़ी गल दा जो है शहर है, मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है, कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहिंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत आउंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदिया करदिया कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है, इस कच्चे संसार विच पक्के महल किस दे बने, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहिंदा है, उमरे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, कहिंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया चार दिन। इन्हों एक होर फकीर इंज कहिंदा है, जो कुछ मैं हां ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़ दे पाया, और जो कुछ मैं नहीं हां अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए होगी,
कहिंदे जो कुछ मैं नहीं हाँ उस नूं ते मैं प्रगट करदा रहा और जो कुछ मैं हाँ उस ते मैं पर्दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उमरे दा राज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। ए अरमान ए इच्छावां ए तड़प, ये कह रहे है अभ्यासियां नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चो कढो किसे होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनदी है जप करदियां करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहुंदा निकलदियां ने। भरतरी रोंदे होयां कहिंदा है वैराग शतक दे च, और शायद आपनों पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तीन शब्द उच्चारण किए आसा राग दे। प्राणायाम की साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर ली सी, बहुत लंबी कर ली सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। छे छे महीने साल साल श्वास चले ही ने तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरणा ते मथा टेक के इसने कुछ प्रश्न किए ने, उन्हां प्रश्नों का खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दें तीन शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोतरे अभरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार निर्मल नाम मेरा आड़। इना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहिंदे थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है, पंथ रस्ते नूं कहिंदे थोड़ा केड़ा रस्ता है। मैं उस दिन भी अर्ज कीती सी, इस्लाम एक रस्ता है, जैन एक रस्ता है, बौद्ध एक रस्ता है, हिंदू एक रस्ता है, सिख एक रस्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचने दे रस्ते ने। रस्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रस्ते प्रभु दे रस्ते ने। सारिया ही नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, पर सारिया दे अपने अपने रस्ते ने। गंगा अपने रस्ते ते जांदी, गोदावरी अपने रस्ते ते, सिंध अपने रस्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रस्ते ते। जब सागर दे च मिल जांदे ना दजला ना फिराक ना गंगा ना जमुना ना सतलज ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है सब कुछ खो जाता है, ये भी मैरज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संतवंत, वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ से जो चलता उन्हें कहने पंथी, उर्दू दे च कहने राही, पंथ नूं उर्दू दे च कहने रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहिंदे ने पंथ, जिहड़ा चले उहनूं कहिंदे ने पंथी। तू राही अजे रस्ते दे च, जो पहुंच गया वह राही नहीं, उहदे घर दे च पहुंच गया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध। थोड़ा पंथ केड़ा है? भरतरी गुरु नानक ते प्रश्न करदा है की पंथ है थोड़ा, किस पंथ दे तुसी बानी आ। इन्ना ज्ञान, इतनी सोच, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है, ऐ पातशाह बहुत ज्ञान मिले है, और इंज लगे है जीवन में अजाही गवाया है, लंबा करके लंबा ही होया है, सफल नहीं होया। थोड़ा पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दस देना है, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। नाना वरन अनेकं, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने,
सारिया नू नाल लेके चलना ते सारिया दे नाल चलना, बस नानक दा एही पंथ है और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुनना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहना अनेक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा राग दे तिन्ने शब्द ने भरतरी नू संबोधन कीता है। भरतरी नू कुछ अनुभव होया है, जब तब करदे आ कहिंदा है, मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, ऐ इच्छा मैं तेनू मां आखदा तू मेरा खेड़ा छड, ऐ वासना मैं तेनू मां आखदा तू छड़ मेरा खेड़ा। जो तो भोगन हित भजे तुम सेव तिसे, ऐ वासना जो तेनू भोगां वास्ते चानन तू उना दे हिरदे च वस, मेरे हिरदे च क्यों वसते हैं। लागत की निस्प्रियन की चहियती न लजे, मैनू ये संसार नहीं चाहिदा, ये पदार्थ नहीं चाहते चाहिए, पर की करां। कहिंदे संसार मैं छोड़ दिता है, वासना नहीं छोड़ सकेगा, धन मैं छोड़ दिता है, तृष्णा मैं नहीं छोड़ सकेगा, परिवार मैं छोड़ दिता है, वासना मैं नहीं छोड़ सकेगा, कबूल करता है। और कहिंदे मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, हे तृष्णा मैं तेनू मां आखदा छड़ मेरा खेड़ा, मैं दुखी हाँ, तू मेरे हिरदे चो निकल ताई कुछ खेड बने। अभ्यास करदियां करदियां जिस दिन मनुख वासना तो दुखी आउंदा है, इच्छावां तो दुखी आउंदा है, उदों प्रार्थना करदा है प्रभु नूं, और उस दिन सही ढंग दी प्रार्थना आउंदी है, अरदास आउंदी है, उस दिन फिर इहदी सुरत चलदी, उस तों पहले नहीं। जिस दिन पता चल जावे इच्छावां ते बोझ ने। हुण मैं फिर अर्ज करां, जितने चिर तक संसार दी आस बहुत प्रबल है, निरंकार दी तलाश नहीं पैदा होगी, नहीं पैदा होए। भरतरी दुखत होके कहिंदा है, हे निरंकार मैं चाहना तेनू आ, पर करा कि ये संसार दी आस निकलदी नहीं, ये वासना निकलदी नहीं। मोत अज मात रमा अब तू भज आन किसे, यही कुछ रोंदा होया बहादुर शाह जफर कह रहा है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। जद कोई अभ्यास अमृत वेले करता है, तो जिस दिन शब्द हिरदे नू चोट करता है, पहला जिहड़ा उस नू अनुभव होंदा है, तो इच्छावां दा बड़ा भारी बोझ पैंदा है, बहुत भार ये निकलन, किसे तरीके नाल निकलन। जितने चिर तक संसार दी आस अंदरों निकलदी नहीं, प्रभु दी प्यास पैदा ही नहीं होंदी, ये भी महसूस करते हैं, नहीं होंदी। हुण मैं दूजा नुक्ता थोड़े सामने रखा, निराश कौन आउंदा है। कोई चोट खादा होया मनुख ही निराश हो जांदा है, उदास हो जांदा है संसार तो। प्रथम गुरु दा शब्द चोट कर गया है, बड़ा गहरा सत्संगी है, सरोता है, मेरी बाणी पढ़दा नहीं जपदा है। जपना की होंदा है, जबान उच्चारण कर दी ते मन सुनदा, इनू जपना कहने, पढ़ना इनू कहने, ध्यान बाहर है ते पढ़ रहे है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। अगर ये बहुत गहरा स्रोता है, बड़ी गहराई नाल सुन रहा है, पाठ जो कर रहा है निरा घास नहीं कट रहा, निरे इवें भज दौड़ नहीं मचाई इसने, पूरे ध्यान पूर्वक लगन नाल ये पाठ कर रहा है, ऐसा पाठ जप हो जाता है, ऐसा पाठ सिमरन हो जाता है, फिर किसी दिन शब्द चोट कर जाता है। जब शब्द चोट कर जाता है तो हालत की बनती है। धन गुरु रामदास जी महाराज दसते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शब्द फिर इंज लगदा है जिवें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा,
तीर मन नो लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलेंगे। तीर तन नो निकले लगे खून निकलने आया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जान नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा है। शब्द दा तीर मन नो लगे है, अंदरों लोभ निकले है, विकार निकले ने, ये तड़पदा होया मन। तुसी आखोगे तड़पदा क्यों है, मन दी जिंदगी लोभ है, जीवदा ही लोभ दे छे। मन दी जिंदगी विकार है, ये उहदे च जीवदा है। जैसे गुरु दा शब्द बाण बन के इसनू लगदा है, इहदे चों विकार निकलदे ने, इहदे चों लोभ निकलदा है, ये फिर तड़पदा होया मन करदा है वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वाहेगुरु करना कुछ और है, ये वाहेगुरु आखना कुछ और है। हुण साहिब कहिंदे ने मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी होवे। ईश्वर ने एक नियम बना रखे है, एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है एक स्त्री ने, तो प्रसूत दी पीड़ा तो लंघना ही पएगा, लंघना ही पएगा। रब ने नियम बनाया, प्रभु ने नियम बनाया, एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है एक पीड़ा तो लंघना ही पएगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नू जन्म देना है, परम रस नू जन्म देना है, परम प्रकाश नू जन्म देना है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। बड़ा जिक्र है, समा इजाजत ते नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं थोनू सरवण करान लगा। ये पीड़ कितनी कौंदी है, जद शब्द का तीर लगता है, मन चो विकार निकल देने, ते प्रभु दी तड़प पैदा होंदी है, ये पीड़ कितनी आती है। ये तुसी सुनो भाई साहब भाई गुरदास को, भाई साहब का यह सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, सस्तर अनेक रोम रोम कर गात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बल्दी अग दे गिर जाए, जलन लग पे। उस जीवदे जागदे मनुख नू जलदियां जो पीड़ा आती है मानसिक ते शरीर, भाई साहब कहिंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहे होवे, गोते खा रहे होवे, बचण दी कोई उम्मीद ना होवे, ऐसी हालत च मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा आती है, भाई जी कहिंदे ने भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जान, उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा आती है, भाई साहब कहिंदे ने यह भी इकट्ठी करी। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेक तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वगरे होवे, ऐसी हालत दे चे जिहड़ी पीड़ा है इहनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहिंदा है, हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने जरा का कम, सर्जन का कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहिंदा है रोम रोम जख्मी है, ते रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बनेगा, केड़ी जगह बनेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है।
अनेकां तरहां दे शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, खून बगरे होवे। भाई साहब कहिंदे ने इह पीड़ा भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा, दूसरी पंक्ति च बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्प्रात है। बिरथा अनेक लोड़ा बहुत सारिया मन ते पूरी एक भी ना होवे। खाण नू भोजन चाहिए नहीं है, पहनण नू कपड़े चाहिए नहीं है, रहण नू मकान चाहिए नहीं है, बीमार है दवा दारू चाहिए नहीं है, लोड़ा अनेका ने पूरी एक भी ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते शरीरक जो पीड़ा होंदी है भाई जी कहिंदे ने इह भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, बड़ा भयंकर रोग होवे कोई शरीरक ते उहदे नाल पीड़ा हो रही होवे, उह भी इकट्ठी करिए। पराई अधीनगी विच रहना पै रहा होवे ते कसूर भी कुछ ना होवे ते अगला मालक गालां कढ़ी जाए, ताड़ना करी जाए, कसूर भी नहीं कोई गलती भी नहीं ते ताड़ना करी जा रहे, गालां कढ़ी जा रहे ते सहारनियां पैनियां सुननियां पैन। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है भाई जी कहिंदे ने इह भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, ग्रीखम और सीत बरख माए निस्प्रात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण दा कोई उपराला ना होवे, दिन रात गर्मी च रहना पै रहा होवे, दिन रात ठंड दे च शीत लहर दे च रहना पै रहा होवे ते दिन रात बरसात दे च रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई उपराला ना होवे। तीसरी पंक्ति गौ दे च बदु बंस विश्वास बद कोट हत्या, त्रिशना अनेक दुख दोख समगात है। मैं छेती छेती करदा पिया, कुछ इस तरह के बजर पाप ने करन तो बाद मन बेचैन हो जाता है और मन इन तड़पदा जिमें जल तो बिना मछली। किड़े बजर पाप, गौ नू मारना, भगत नू मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु नाल द्रोह करना और अनेक तरह की पदार्थां की हर वक्त अंदर तृष्णा रखनी। इस दे नाल जो मानसिक पीड़ा होंदी है भाई जी कहिंदे ने इह भी इकट्ठी करिए। पाप किवें मानसिक पीड़ा देंदा है अलग मनोविज्ञान है, किसे फिर तुहाडे सामने रखांगे। इन्हां तीन पंक्तियां तो बाद चौथी पंक्ति भाई साहब दसदे ने, चलो तीन भी मैं तुहानू नाले ही सुणावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, ग्रीखम और सीत बर्ख माए निस्प्रात है। गौ द्विज बदु वंश विश्वास बद कोट अत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, पिया के बिछो पल इक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, यह सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुसी खुद अंदाजा लाओ भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर, वह वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है वडहंस राग दे च, उह भी कह दिया। मैं रोवंदी सब जग रुना, रुनड़े वणो पंखेरू, इक न रुना मेरे तन का बिरहा, जिन्हो पिरो विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर बच्चियां दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते ने अपने बच्चियां वास्ते। विछोड़ा बच्चियां दा सारियां नू तड़पा देंदा है, विछोड़ा रिजक दा रोजी दा सारियां नू तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहिंदे ने इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हो पिरो विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है ना, तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया,
मैं रोई रिजक दी खातर तेरी खातर नहीं, मैं रोई परिवार दी खातर तेरी खातर नहीं। मनुखां दे रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार दे रोने होने, रब दे रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा, जिन हो पेरों विछोड़ी। साहब कहते विछोड़ा ते प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार का नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा ते है संसार, रोंदा भी है संसार, पर ए रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम लुशान है गोया, जहर अचकम बवद शादा भी ये सरबाग बागे जा। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने मेरी अखां दे निकले दो हंजो, जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्होंने जन्मा जन्मांतरा दे पाप गुनाह सब दो दिते, सब दो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा, लागी होए सोचाने पीर, तीर लगेगा पीर ते होवेगी। इन्हों कबीर बयान करते ने जिस ढंग नाल, वो कह के मैं समाप्ति करें इस वक्त। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। बाणी दा बाण लगे है, निराश हो जाएगा संसार तो उदास हो जाएगा, पर बाण लगे है, उस बाण ने की कीता है। कबीर कहते हैं गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। आप दी ग्यातली अर्ज करा, दस पाप आते हैं, उसके चार पाप जबान दे होते हैं। चलो दसा की मैं गिनती कर दिया। मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, ये चार पाप जबान देने। झूठ बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ गपशप फिजूल घंटा दो घंटा में व्यर्थ बोली जाना, ये चार पाप जबान देने। तीन पाप मन देने, किसी की जान बारे बुरा सोचना, किसी के माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। तीन पाप तन देने, किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी, ये दस दोख बनते हैं, दस पाप बनते हैं। कई दफा जीवन के छे रिपीट होंगे रेंदे ने, हजारा बन जाते। कबीर कहते गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कौड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता, गूंगा हो गया। तीर लगे है जिहड़ी पीड़ होई है, इन्हों भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर इस पीड़ दे च जिहड़ा रस आया है, कबीर कहिंदे ने भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहिंदे ने भोले नूं, भोला हो गया। चलाक बंदा बारों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है, भोला अंदरों बारों एक होंदा है। चलाकियां नाल संसार दे च बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर निरंकार नहीं मिलता। इस वास्ते साहब दी बाणी साहब कह रही, कबीर कह रहे ने, चतराई न चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो सें लाईए, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले बाए मिले रगर आया। परमात्मा भोले बा नाल मिलता है। साडे देश दे एक महान योगी शिव जी नूं भोला शंकर भोला नाथ कही जाने, भोला भोला पता किसे नूं कहिंदे ने, जो अंदरों बाहरों एक है। बच्चे भोले होंदे ने, संत भोले होंदे ने, भगत भोले होंदे ने, अंदरों बाहरों एक होंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, औरंगजेब तू चलाक है, तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है, मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता। अगर सद कुरां बाखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। श्री मुकवाक पातशाही दसवीं जफरनामा। मैं तेरी कुरान दी कसम ते भरोसा नहीं कर सकता, तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम भी झूठी, तू बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा। कबीर कहने भोला हो गया। हाफिज एक ईरानी संत ते कहिंदा है, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेश। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, जो अंदरों बाहरों एक है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वही इसकी जबान ते। कहिंदा एक जिंदड़ी नहीं, हजारां जिंदड़ियां मेरे जैसियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां। हाफिज ऐसा कहिंदा।
कबीर के अंदर पोला हो गया, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, झूठ सुनदा भी नहीं, फिक्के और गंदे गीत मैं सुनदा ही नहीं, व्यर्थ दे बोल मैं सुनदा भी नहीं, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भोला हो गया। दूसरी पंक्ति च कहिंदे ने श्लोक दी, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लगे पैरां तो पिंगला हो गया। इनू स्वामी रामानंद एक शब्द है बसंत राग दे, बड़े बाकमाल ढंग नाल उन्होंने कहा, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग, मेरा मन पिंगला हो गया, हुण मैं किथे जावां, ऐ प्रभु हुण मैं तेरे बुए जोगा हो गया, तेरे दर जोगा हो गया, मैं भटकना मिट गई, पैर ही टुट गए, वासना मन दे पैर कर देंदी, भजाई कर दी, भजाई कर दी। Yeah.